लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय वो स्थान है जहां विविध प्रकार की ज्ञान सूचनाओं स्रोतों आदि का संग्रह होता है। पुस्तकालय लाइब्रेरी का मतलब है पुस्तकों बुक्स का घर, जहां पढ़ने लिखने अध्ययन की सामग्री मिलती है और ज्ञान हासिल होता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइवर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक बुक्स। हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर में वैसे तो अनेकों लाइब्रेरीज हैं, पर चिनाब वैली के डोडा शहर में जिला प्रशासन द्वारा एक लाइब्रेरी को खोला गया था, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा। ये लाइब्रेरी 1958 में खोली गई थी। इस लाइब्रेरी में लगातार इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। आज जम्मू कश्मीर में वाहिद ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो 24/7 खुली रहती है, जो वाईफाई सुविधा से भी लैस है, ताकि पढ़ने आने वालों को कोई दुविधा ना पेश आए। इस लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध है, पुरानी हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न पाठ्यक्रम की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबों के अलावा मेडिकल पैरामेडिकल इंजीनियरिंग हर प्रकार की किताबें यहाँ उपलब्ध है, ताकि पढ़ने आने वालों को हर पुस्तक मिल सके। इस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा में रोजाना तकरीबन 150 से 200 बच्चे युवा इसका लाभ उठाते हैं। पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होने के कारण अब इसमें और ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इस लाइब्रेरी में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। छोटे बच्चों की एनसीईआरटी की किताबों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें उपलब्ध है, यहाँ तक कि स्कॉलर्स के लिए भी बुक्स अवेलेबल है। जिला प्रशासन डोडा द्वारा इसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की कोशिशें लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। हमें अपने अलग अलग कैबिन प्रोवाइड होते हैं। 24 आवर्स ये लाइब्रेरी ओपन होती है। गर्ल्स के लिए तो सुबह 8 से शाम को 10 बजे तक खुली होती है, लेकिन बॉयज़ के लिए 24 आवर्स ये ओपन होती है। बाकी इंटरनेट का भी इशू यहाँ पे हमें अभी तक कोई आया नहीं है वैसा तो। बाकी और बुक्स वगैरह वो भी हर एक अवेलेबल है, एनसीईआरटी अवेलेबल है, बाकी कॉम्पिटिटिव की बुक्स हैं वो सब हमें यहाँ पे अवेलेबल है। घर पे स्टडी करना एक वो माहौल नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि फैमिली के साथ है कि अगर आप बैठे भी हो कहीं सेपरेट रूम में, फिर भी आपको क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल गए, थोड़े से टाइम से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आके वैसा कोई इशू नहीं होता है। हम सुबह आए, उसके बाद जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तो आराम से एक ही काम होता है कि पढ़ना ही पढ़ना है। सर मैं तो हर किसी को यही बोलूँगी कि यहाँ पे तो हमें पे नहीं करना है। सबसे पहली बात, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो आराम से यहाँ पे आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आना है, उतना तो खुद के लिए करना पड़ेगा, बाकी आपको कोई पे नहीं करना है। हर एक फैसिलिटी आपको बुक्स की फैसिलिटीज यहाँ पे फ्री मिल रही है। रहने की जो फैसिलिटी है यहाँ पे, मतलब प्राइवेट में पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं सबको यही मैसेज कन्वे करती हूँ कि आप यहाँ पे आओ, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो और जो आपका एम है उसको अचीव करो।